सो ऑर्डर किड्स फाइनली हो गया खाना पीना फाइनली माइक्स अबाउट टू ब्लो टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो Crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no photos. But they're all like somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been. भाई साहब तीनारी से जो अंडरग्राउंड रास्ता है ना लोखरा निकलने का, आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग हाईवे से ज्यादा ये वाला शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं भाई. इतना ट्रैफिक मिल रहा है ना, क्या ही बताएं मतलब. सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स. और आपका भाई जो है वापस आ चुका है जोश पे, बहुत ही जोशीला व्लॉग बनाने का उन्दे टारगेट करते हुए. अरे डाडा की गोरिया से अपनी है ना हो. एंड अभी जो है हम जा रहे हैं KTM गोड़चुक. वो क्यों जा रहे हैं आपको तो पता चल ही गया होगा. गौ माता की जय हो. ओके यहाँ से लेते हैं राइट बिकॉज वी आर अ राइट पर्सन. वाह काफी दिनों बाद ये डायलॉग मारा है मैंने बाय द वे. हाँ भाई हाँ. ओके वेकेंस बाइक चलाते चलाते आपका भाई जो है लोखरा पहुंच चुका है और यहाँ से अपन को जाना है राइट. ओके और ये आपका भाई पहुंच गया गोरचुक. तो यहाँ से लेना है अपन लोगों को यू टर्न बिकॉज KTM गोरचुक जो है वो इधर ही कहीं पे है. सुदास्त शोरूम लगता है अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है. वाह आई एम द फर्स्ट मैन. जो बाइक लेने आया वो ही नहीं पहुंचा, मैं पहले पहुंच गया. वाह 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 दीपक जी वाह. सो अपन तो यहाँ पे अंदर में आकर रुके हुए हैं और जैसे कि आपको पता ही है कि आपका भाई हर चीज़ में जो है आगे है और बहुत जल्दी है, तो इसलिए हम काफ़ी एडवांस पहुँच चुके हैं. लेट्स सी अभी उन लोग कब आते हैं भाई. जब उन लोग आएंगे तब अपना कार्यक्रम जो भी है शुरू करेंगे और अभी कुछ काम नहीं है. मैं जस्ट बैठूंगा और उन लोगों का वेट करूँगा. मेरे पास और कुछ चॉइस भी नहीं है, तो वही कुछ सीन है. लेट्स सी कब आते हैं. ऑलरेडी 11 तो बज चुका है. मैंने फ़ोन किया था ऑलरेडी, उसने कहा कि 20 मिनट्स में आ रहा है वो. लेट्स सी 20 मिनट्स नहीं लगेगा आई गेस, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला. फाइनली यहाँ पे हमारे सीओ भाई आ चुके हैं. आ चुके हैं और भाई हमसे पहले आए डिलीवरी. मैं पहले आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद का बाइक लेने आ रहा हूँ. तो रात को सोए कि नहीं? हाँ नींद आई 3 बजे तक. पता है इधर अंडरस्टैंडिंग, जब मैंने बाइक लिया था ना तो मैं भी पूरा रात भर सोया नहीं था भाई, 4-5 बजे सोया था. ये हर एक बॉयज के साथ ऐसा होता है, इट्स अ ड्रीम. तो बहुत जल्द अभी डिलीवरी लेंगे और चलेंगे डिलीवरी. मैंने सोचा था भाई, भाई ने कहा है 20 मिनट लगेगा, तो मैं सोचा कि लगभग 1 घंटा और वेस्ट होने वाला, बट ही इज ऑन टाइम, जस्ट 5-6 मिनट लेट. लाइट जला दिया तुम्हारे लिए. क्या बात है क्या बात है. तो थोड़ा वो है ना अपने एक्सपेंसिव लोग. चलो फिर अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करेंगे. चलो शुरू किया जाए. तो हाँ जी गाइस, यहीं पे हो रहा है मस्ती मजाक और बाइक का फील ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत लोग भी हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे सेट करना. तो यहाँ पे हमारे अभिषेक भाई पी रहे हैं चाय और सब लोग यहीं पे हैं और वहाँ पे जो है चल रहा है पेपर वर्क. तो रुक रहे पेपर वर्क के लिए एंड देन बाकी का कार्यक्रम बताते हैं धीरे धीरे. मेरे चाय पीते खत्म हो गया सॉरी. करना पड़ता है सो ऑर्डर किड्स फाइनली हो गया खाना पीना फाइनली. यहाँ पे हो चुका है फाइनली, नया दुल्हन पधर चुके हैं. दुल्हन पधर चुके हैं. दो तीन दिन गर्लफ्रेंड लगने वाले थे. हम एक से खुश है. तो यही कुछ सीन है. अच्छे से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत दिन हो भी गया कि कोई राइड पर नहीं गया. जाना पड़ेगा. ये लोग जाते सनराइज बुलाते नहीं है. चलो अगले बार याद नहीं आता ना. आप लोग हो गया, मेरा माइंड जो है बहुत ही कमजोर है ना, इसके कारण मैं भूल जाता हूँ. नेक्स्ट में जाएंगे तो श्योर श्योर. तो नहीं दिखा निकल जाएंगे. नया बाइक है ना, ज्यादा वो नहीं करना है. अपन ने तो पहले दिन में पहुंचा दिया था भाई. कितना 135 ऐसा कुछ था पहले दिन में. मेरा पहले दिन आते साथ ही दोस्तों का क्रेज और कुछ नहीं भाई. रेप मार
हेलो हेलो मैं टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे सब लोग हेलमेट पहन के अपना अपना व्लॉगिंग का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हेलमेट पहनो ब्रो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहने का कार्यक्रम शुरू। हम आपको फर्स्ट टाइम व्लॉग पैसे नहीं गए। हमें पासवर्ड कम पासवर्ड सस्पेंड 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 इतना ना हो पासवर्ड। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग मिल चुके हैं और सब मतलब हेलमेट पहन पहन के मोटो व्लॉगिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे विकास दा, सो हाँ थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे राहुल एक्सप्लोरर, सो दैट इज द बीस्ट। सब हेलमेट में यहाँ पे, सब हेलमेट में। यहाँ कम से कम हम लोग अभी इधर में 10-20-15 लाख का सामान होगा सबके पास, इंक्लूडिंग हेलमेट सब सब। बाहर ये सबका टीटीट बज रहा है ना, आप उन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, चल रहा है कि नहीं भाई? चल रहा है, चल रहा है, सबको बज रहा है टीटी टीट, मतलब वो हो रहा है कि कंफ्यूजन बढ़ रहा है। होगा वैकेंस। सो यहाँ पे ना अपना जो है डिलीवर का कार्यक्रम लेते लेते 1:44 हो चुका है, मतलब कि 2 बजे लगने वाला कर्फ्यू। तो जल्द से जल्द हमें जो है यहाँ से भागना पड़ेगा घर की ओर। और यहाँ पे हमारे समीरन ब्रो, तो हम जो है इनसे बहुत पहले मिले थे जब ये व्लॉगर नहीं थे, और अभी तो भाई व्लॉगर बन चुके हैं। तो एक दिन प्लान कर रहे हैं और स्टोरी जो है वो भी आपको तब बताएंगे, क्या बोलते हैं? एंड ऑल्सो एडवांस में राइड सेफ फॉर द लद्दाख, जा रहे हो ना? चलो फिर, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो वंस अगेन। कब निकलना है? हाँ जब निकलेंगे बोलूँगा मैं। हाँ चलो ओके। सो अभी सुख को भी करते हैं बाय। एंड ऑल्सो आई एम सो सॉरी गाइज कि अच्छी तरीके से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा होता ना कि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब होते हो ना तो व्लॉग करने में मज़ा आता है, मतलब कि वो एक फ्रीडम होता है। तो हमारे काफ़ी आसाम के व्लॉगर्स भी आए थे, तो इसके लिए मैं जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया वहाँ पे। तो इसलिए जो है मेरे से जितना हो सका मैंने उतना किया। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। एंड यही कुछ सीन था भाई, आज हमारे शिवू भाई का जो है नया बाइक लेने जाना था, विच वॉज ड्यूक 390 BS6। डिलीवरी वॉज काफ़ी मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया। एंड या 18 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, सोच रहा हूँ कि 100K का टारगेट रखूँ, क्या बोलते हो वेकेंस? अगर आप लोग चाहेंगे तो भाई सब कुछ हो जाएगा भाई, कोई सीन नहीं है। बाय बाय। चलो तो यहाँ पे हमने फील द राइड विद समीरन को भी जो है बाय बाय कर दिया। सो बाइक चलाते चलाते अपन लोग के ऑलमोस्ट खाना पड़ा पहुँच चुके हैं, अब पहुँचने वाले घर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। एंड या मुझे पता नहीं ये ब्लॉग कैसा बना है, क्या बना है, बट हाँ मैंने बनाया है, मुझे वही पता है। So yeah, bye bye, see you in the next vlog, baby. They say mic's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like pogos, you can come on the tour bus. Mahendra Babu.